जिस राजा उदयभान सिंह को आज तक भारतवर्ष का कोई राजा शतरंज में हरा नहीं पाया, उसे आपने कभी जीतने नहीं दिया। आज हम आपसे बहुत प्रसन्न है राजकुमारी, मांगिए क्या मांगती है। चंद्रमा जैसे सौंदर्य और तलवार की धार जैसी तेज बुद्धि की स्वामिनी राजकुमारी चंद्रप्रभा आज अपने पिता और देवगढ़ के महाराज उदयभान सिंह जी के साथ शतरंज खेल रही थी। अगर आप हमें बहुत बुद्धिमान मानते हैं तो राजकाज से जुड़े कार्य में हमें भी सम्मिलित कीजिए। ठीक है पुत्री। और इस प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकाज के कार्यों में सहायता करने लगी। एक बार देवगढ़ में एक बहुत ही चमत्कारी और त्रिकालदर्शी बाबा पधारे। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी औगढ़ बाबा के दर्शन को पहुंची। आओ महारानी। नहीं नहीं बाबा, हम महारानी नहीं, हम तो इस राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा हैं। हम जानते हैं, परंतु हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस समय भविष्य में भारत के सबसे बड़े और महान महाराजा की महारानी से बात कर रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हारी उससे भेंट होगी तब समझ जाओगी। जो व्यक्ति तुम्हें जीवन में पहली बार पराजय का स्वाद चखाएगा, समझ जाना कि वो वही होगा तुम्हारा होने वाला वर और देश का सम्राट। कुछ माह उपरांत देवगढ़ की एक शतरंज प्रतियोगिता में राजकुमारी को सेवक राम नाम के एक साधारण नौकर ने हरा दिया। उस हार से राजकुमारी को औगढ़ बाबा की भविष्यवाणी याद आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये सेवक राम नाम का नौकर ही मेरा वर बनेगा। राजकुमारी सेवक राम के बारे में पूरी जानकारी निकालती है और उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है कि राजकुमारी चंद्रप्रभा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो मतलब औगढ़ बाबा की भविष्यवाणी तो। राजकुमारी चंद्रप्रभा को सेवक राम का ऐसा कौन सा सच पता चल गया जिससे वो हैरान हो गई? क्या औगढ़ बाबा की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? क्या सेवक राम ही राजकुमारी का होने वाला वर है? क्या है सेवक राम की सच्चाई? यहाँ पे बस इतना ही। आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।